RNAI या फिर RNA इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या होता है, ये नई टेक्नोलॉजी है, अलग टेक्नोलॉजी है बीटी कॉटन से अलग। स्ट्रेटजी डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप, टू प्रोटेक्ट रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट्स फ्रॉम निमेटोड। निमेटोड क्या होते हैं, इसके एलिमेंट होते हैं राउंड वॉर्म, जो कि टोबैको प्लांट्स की रूट को खत्म कर सकते हैं। तो इनको, इनसे बचाने के लिए एक स्ट्रेटजी है वो डेवलप की गई है। निमेटोड का साइंटिफिक नाम है मिलेडियोजीन इनकोग्निसिया। तो आरएनए इंटरफेरेंस अकर्स इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स एज ए मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। तो जब सेल को अपना डिफेंस करना होता है किसी भी बाहर वाले मटेरियल से, तो उस टाइम पे आरएनएआई जो प्रोसेस है वो सारी यूकैरियोटिक सेल हैं वो करती हैं। मैकेनिज्म क्या रहता है इसमें, इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल। तो इसमें क्या होता है, यदि बाहर से कोई भी एंटीजन वायरस वगैरह अपना जीनोम किसी भी शरीर में एंटर करता है, तो उससे जो एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए जो प्रोटीन बनाएगा वही डैमेज करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जो डिजीज कोजिंग वायरस बैक्टीरिया होते हैं वो इसी तरीके से बीमारी फैलाते हैं। और इस जो एमआरएनए को, जो उन्होंने फॉरेन मटेरियल ने रिलीज किया है, उसको साइलेंस किया जाता है। साइलेंस का मतलब है उसके प्रोटीन बनाने की जो कैपेसिटी है उसको खत्म कर दिया जाता है। किसके द्वारा, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है वो यूज किया जाता है इसमें। कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फॉर्म फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाय वायरस हैविंग आरएनए जीनोम्स और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स ट्रांसपोसोन्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए है वो कहीं से भी आया हो सकता है, जैसे बताया कि जैसे वायरस अपने शरीर में डिजीज कोज करते हैं, तो वो आरएनए जीनोम हो सकता है। मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स का मतलब है जो जेनेटिक मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा सके, उसी को साइंस में, बायोलॉजी लैंग्वेज में ट्रांसपोसंस बोला जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल मूव कर सकता है। वैसे तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमेशा सेंटर सेल में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन ये मूव कर सकते हैं कुछ, किसके अंदर, जो लोअर ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया वायरस वगैरह होते हैं उनके अंदर। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन कैसे यूज किया जाता है इस प्रोसेस का, यूजिंग एग्रो बैक्टेरियम वैक्टर। तो इसके अंदर एग्रो बैक्टेरियम जो एक बैक्टेरिया होता है, तो उसका यूज किया जाता है वेक्टर की फॉर्म में, मतलब जीन को भेजने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। तो निमेटोड स्पेसिफिक जीन, जो स्पेशल टाइप के निमेटोड को ही खत्म कर सकते हैं, उन जीन को प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एग्रो बैक्टेरियम वायरस बैक्टीरिया के द्वारा। डीएनए इंट्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए इन होस्ट सेल। तो जो डीएनए अभी गया है, ये जीन है, जीन एक डीएनए का ही फॉर्म होता है, डीएनए से ही बना होता है। तो जो डीएनए अभी इंट्रोड्यूस किया हमने होस्ट प्लांट में, वो दोनों सेंस और एंटी सेंस आरएनए का मतलब है, जो ट्रांसक्रिप्शन होती है जिसमें डीएनए से एमआरएनए तैयार किया जाता है, तो दोनों टाइप के आरएनए है वो तैयार करता है। वैसे हम देखते हैं आरएनए केवल एक स्ट्रैंड को कॉपी करके बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सेंस और एंटी सेंस, मतलब सेंस का मतलब क्या होता है, जिसको प्रोटीन बनाना होता है, और एंटी सेंस उसका अपोजिट, उसका कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो दोनों तैयार किए जाते हैं। टू आरएनए जो फॉर्म ए डबल स्ट्रैंडेड, और जो ये दोनों आरएनए बनते हैं तो डबल स्ट्रैंड बना लेते हैं आपस में एक दूसरे के सराउंडिंग में, ये कोइल अप हो जाते हैं, ताकि जो, क्योंकि इनके अंदर जो नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दैट इनिशिएटेड आरएनएआई, और जिसे क्या हो जाता है, जो आरएनए प्रोसेस आरएनए इंटरफेरेंस वो शुरू हो जाती है, एंड साइलेंस स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ ए निमेटोड। और जो ये आरएनए होते हैं, जो ये बने हैं सेंस और एंटी सेंस, ये किसी भी जो एमआरएनए बाहर से भी आया है उसके सराउंडिंग में भी कोयल अप हो जाते हैं, और उसको यदि कोयल अप कर लेंगे तो एमआरएनए खुला नहीं रहेगा ऐसे ही, और उसके ऊपर यदि वो इस तरीके से ओपन अप नहीं रहेगा तो जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है, प्रोटीन सिंथेसिस है, वो नहीं कर पाएगा। और जब ये प्रोटीन होता है, यही टॉक्सिक फॉर्म होती है किसी भी जो वायरस वगैरह है, जो बैक्टीरिया वगैरह जिससे वो डिजीज कोज करता है, वो फॉर्म वो बना नहीं पाएगा, ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगी। तो इस तरीके से एमआरएनए को साइलेंस करके हम किसी भी प्लांट को, किसी भी निमेटोड वगैरह टाइप के जो एस्की एलिमेंट्स हैं, उनकी बीमारी से बचा सकते हैं। सो पैरासाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ट्रांसजेनिक होस्ट एंड प्लांट गोट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट। और जो ये एमआरएनए बनाता है, कई बार ये सेल की मशीनरी को यूज करना शुरू कर देते हैं, अपने तरीके से सारे प्रोडक्ट वो तैयार करवाएंगे। अब एमआरएनए को हमने साइलेंस कर दिया तो वो प्रोडक्ट तैयार करवाएगा नहीं, जिसकी वजह से जो पैरासाइट उसके अंदर एंटर करे है, जो भी नेमेटोड जड़ों में एंटर कर जाता है, तो ये लंबे टाइम तक जीवित नहीं रहेगा, जल्दी खत्म हो जाता है। और प्लांट है हमारा वो पैरासाइट से, पैरासाइट क्या होते हैं, वो जीव जो दूसरों से अपना खाना पानी लेते रहें, तो ये पैरासाइट है वो जल्दी ही मर जाते
फिर इस पैरासाइट से प्लांट को बचाया जा तो सकता है। डायग्राम से समझते हैं जो आरएनए है वो कैसे काम करता है। जैसे हम एक प्लांट देख रहे हैं, इसके ऊपर काफ़ी सारे इंसेक्ट लगे हुए हैं, ऊपर एरियल पार्ट में सूट सिस्टम में भी हैं और रूट सिस्टम में भी हैं। और जब हमने प्लांट को आरएनए के प्रति एक्टिव कर दिया जाता है, तो उस टाइम पे यदि कोई भी बीटल है वो इस प्लांट को खाएगा तो उसके जो कंटेंट है वो कहाँ पे जाएगा, मिडगट में, और मिडगट में जो ये डीएनए है वो कहाँ पे चला जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा किसके द्वारा, उनकी सेल्स के द्वारा। और सेल्स के द्वारा जाने के बाद, वहाँ पे एंटर करने के बाद सेल में क्या करता है, ये डबल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है अलग अलग एंजाइम्स के द्वारा। और जो ये सिंगल स्ट्रैंडेड में एक बार जो कन्वर्ट किया गया है, तो उसके बाद जो ये डिजीज कोजिंग फैक्टर है इनका, जो निमेटोड्स वगैरह का या फिर किसी भी बीटल वगैरह का, तो उसको ये क्या कर देते हैं, उनका जो डिजीज फैलाने वाला जो गुण होता है उनके अंदर जो एमआरएनए होता है उसको ये अटैच हो जाते हैं और उसको साइलेंस कर देते हैं। और साइलेंस करने से क्या होगा, जो भी ये डिजीज कोजिंग एक इनका फैक्टर था किसी भी बीटल का, किसी भी निमेटोड का, वो यहाँ पे खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो आरएनएआई है वो काम करती है किसी भी प्लांट है उसको पैरासाइट से बचाने के लिए।